press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सेलेंट अकेडमी में। मैं शुभम त्रिपाठी आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मिसलेनियस टॉपिक, या आप अलग से कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्न जो किस्त वाले पूछे जाते हैं। तो आज मैं जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो किस्त वाले प्रश्नों से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो परीक्षा है ये प्रश्न थोड़े मैं सिंपल से स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चन के जो टफ लेवल हैं वहां तक लेके जाऊंगा, और ये सारे प्रश्न एसएससी सीजीएल और जो लास्ट के प्रश्न आप लोग देखेंगे वो सीजीएल मेंस की परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे जो दिख रहा है, प्रश्न है कि कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे दो वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया हो तो बताएं, और ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो बताएं कि जो धन उधार लिया गया था वो कितना था। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 882 रुपये प्रत्येक किस्त देनी है, दो साल में देनी है, दो वार्षिक किस्तों में चुकाना है, और 5% इसका वार्षिक दर है। तो ज़रा आप देख लीजिए, आर की जो वैल्यू होगी वो होगी 5%। आपका पी आपको ज्ञात करना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना लिया गया था, और आपको जो है जो टाइम है वो 2 इयर्स का है, और जो किस्त का मान है, जो हमारा किस्त है वो कितना है, 882 रुपया। इसको हम ईएमआई भी कहते हैं। तो 882 रुपया हमारा है। तो देखिए, यहाँ पर जो हम फार्मूला लगाने वाले हैं, जो तरीका है बहुत ही सटीक है और उसी के माध्यम से हम करेंगे। जब भी आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जाए तो प्रिंसिपल अमाउंट और किस्तों में आपको देना हो तो ईएमआई अपॉन 1+R/100, ये पहले साल का, इनटू ईएमआई अपॉन 1+R/100 का होल स्क्वायर, और अगर तीसरे साल का है तो होल क्यूब, और चौथे साल का होगा तो होल पावर 4। इसी प्रकार से हम क्वेश्चनों को करते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ इनटू नहीं प्लस होगा, ये प्लस रहेगा क्योंकि ईएमआई अगले साल जो बचेगा शेष में से प्राप्त करते हैं। तो आइए प्रश्न को करते हैं। पी ही हमें पता करना है, कितनी राशि उधार ली गई थी, ईएमआई कितना है, 882 रुपये वार्षिक है, 1+R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 5%, तो 1+5/100, ये पहले साल का हो गया, प्लस ईएमआई 882 ही है, 1+5/100, 5 × 100, ये होल स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो मिला वो 882, 5 × 100 ये भी 100, तो 20 × 21 = 21, 21/20 प्लस 882, 21/20 × 21/20। आइए इसको नीचे ले आते हैं, 882 बटे का बटा ऊपर जाता है तो मतलब 20 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे रहेगा, प्लस 882 × 20/400, 400 ऊपर जाएगा और नीचे रहेगा, 21 × 441, 441 दुना 882 होता है, और 21 से काटेंगे तो 21 × 84 और 21 × 42, तो 42 × 84 मतलब 840 रुपया, और 400 × 800 तो 840 में 800 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1640 रुपया, अर्थात जो उधार ली गई राशि थी वो 1640 रुपया। तो बहुत ही इजी तरीके से इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम पढ़ने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1025 रुपये का ऋण दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। सेम वही प्रश्न है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। फार्मूला आप लोगों को पता ही है, दो साल का ही है तो वही फार्मूला सेम लगेगा, तीन साल का होता तो एक बढ़ जाता, क्या होगा, EMI अपॉन 1 प्लस
आर बाई 100, क्योंकि ये पहले साल की ईएमआई है, दूसरे साल की ईएमआई 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2, तीन साल का होता तो फिर प्लस करके ईएमआई अपन 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3 हो जाता। ज़्यादातर दो साल के पूछते हैं और कभी कभी तीन सालों के भी पूछ लेते हैं बड़ी परीक्षाओं में। तो चलिए, पी 1025 रुपये का ऋण, मतलब यहाँ पर हमें पी पता है, 1025 रुपया ऋण लिया गया था, इसी को ईएमआई के रूप में देना है। तो ईएमआई हमें पता ही नहीं है, तो एक्स मान लीजिए 1 प्लस 5 बाई 100 प्लस एक्स बाई 1 प्लस 5 बाई 100 की पावर 2, पांच विषम में और ये भी पांच विषम में। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1025 बराबर एक्स अपॉन 21/20 प्लस एक्स अपॉन 21/20 गुणे 21/20, ये हो जाएगा 1025 बराबर 20 ऊपर जाएगा तो 20x/21 प्लस 20 भी सम में 400 ऊपर जाएगा, 400x अपॉन 21 के सम में हो जाएगा आपका 441। आइए, 21 और 441 का एलसीएम लेते हैं, 441 ही होगा और 21 के सम में 441 होता है, तो 21 किस हमें बार जाएगा और 20 का गुणा करेंगे तो 21 × 42 अर्थात यहाँ पर हो जाएगा आपका 420 प्लस 400 एक्स है ही बराबर 1025। 420 में 400 जोड़ेंगे तो ये 820 हो जाएगा और 820x बटे में 441 बराबर 1025। अब आइए काटते हैं इसको, सबसे पहले 5 से ही काटते हैं, 5 × 16 = 80, 5 × 4 = 20, 5 × 20 = 100 और 5 × 5 = 25 और तो यहाँ से हमें मिलेगा 164x बराबर 441 गुणे में 205। एक्स की वैल्यू 441 गुणे 205 बटे में 164, और जब हम इसका भाग देंगे तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 551.25 रुपया। तो ये हमारा आंसर होगा, ईएमआई जो होगी वो 551.25 होगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये 3 वर्षों का क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल मेंस 2017 की परीक्षा में पूछा गया था और सबसे बढ़िया प्रश्न भी यही है। प्रश्न है, 66,200 रुपये का जो ऋण है वो 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो यहाँ से जो आर परसेंट की वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी 10%। आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पता है, कुल 66,200 रुपये का ऋण लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो 3 साल का है और आपको ईएमआई पता करनी है। आइए देखते हैं, फॉर्मूला वही है हमारा, जो कि ये 3 साल का है तो हमें 3 बार फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। ईएमआई अपॉन 1 + R/100 प्लस ईएमआई 1 + R/100 का स्क्वायर प्लस ईएमआई 1 + R/100 की पावर क्यूब। 3 बार से ज़्यादा पूछता भी नहीं है, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, पूछेगा भी तो आप आगे जा सकते हैं। तो 66,200 पी की वैल्यू है
ईएमआई हमें नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं और 1 + 10/100 अर्थात ये आपका हो जाएगा 11/10। 11/10 कैसे होगा, 1 + r की वैल्यू 10 रखेंगे, 10/100 तो 0 से 0 कट जाएगा, 10 × 10 = 11/10 प्लस ईएमआई एक्स तो ये भी 11/10 × 11/10 दो बार एक्स तो ये आपका हो जाएगा 11/10 × 11/10 × 11/10 तीन साल का है तो 3 बार। जिन बच्चों को समझ में आया हो 11/10 कैसे है जरा वो देख लें, ईएमआई को हमने एक्स माना था तो 1 + r की वैल्यू 10 है, 10/100 0 को 0 से काट दिया तो 10 × 10 = 11 तो यही है x/11/10। ये एक बार था, इसमें 2 साल है तो 2 बार, 3 साल है तो 3 बार। अब बट्टे का बटा ऊपर जाता है, पहले 66,200 रुपये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अब क्या करेंगे 10 ऊपर जाएगा तो ये 10x/11, 10^100x/11 ग्रह में 121 और ये 10^100^1000x और ये हो जाएगा 1331। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 66,200 इधर ही रखिए, एलसीएम 1331 होगा इसका, 11 से जब हम 1331 में भाग देंगे तो 121 बार जाता है तो यहाँ 10 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1210x, 121 ग्यारह में जाता है तो ये हो जाएगा आपका 1100x और वो 1000 ही रहेगा। सबको जोड़ेंगे तो आपका जो है टोटल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3310, क्योंकि 1100 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 2100 और 1210 जुड़ेंगे तो 3310x 3310x बटे में 1331 बराबर ये 66,200। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 331 × 662 होता है तो 20 हो जाएगा तो x/ये 1331 था, 1331 = 20 तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो 1331 × 20 मिलेगी अर्थात 0 2 × 2 2 3 6 2 3 6 2 1 2 तो 26,620 रुपये की सालाना 3 किस्तें बनेंगी। तो यही इसी प्रकार के किस्तों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आशा करता हूँ बड़ी ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।